हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसके मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा। पार्टनरशिप इज ए बिजनेस वेयर टू और मोर देन टू पर्संस एग्री टू रन द बिजनेस जॉइंटली। तो बेटा ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इस बिजनेस को किया करते हैं, साथ में मिलकर, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। और ये जो बिजनेस है बेटा, जितने भी पार्टनर बने हुए हैं ना, वो सब मिलके चलाते हैं, या फिर किसी को उस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, अपना पैसा लगा रखा है, तो बाकी के बचे जो पार्टनर है उस पार्टनर की तरफ से काम किया करते हैं एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स। और उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ करता है वो बाद में जाकर अपने रेशियो में या फिर बराबर बराबर अनुपात में बांट लिया करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम पार्टनरशिप की कैटेगरी के बारे में बात करें जो कि आज के दिनों में आपको देखने को मिलती है, तो बेटा वो दो तरह की हुआ करती है, रियल पार्टनरशिप और एक होती है एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप। रियल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं वो बिजनेस सेम ही कैटेगरी का किया करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक दूसरे में बांट लिया करते हैं पहले से तय किए गए अनुपात में। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप की, तो बेटा यहाँ पर पार्टनर्स जो है ना वो एक्चुअल में सेम बिजनेस नहीं किया करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिजनेस का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे की वेबसाइट पर किया करते हैं, जिसको कि हम कोलैबोरेशन बोला करते हैं। अगर हम रियल पार्टनरशिप की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रनिंग शॉप्स और मॉल्स, मारुति सुजुकी, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जिस भी तरह के ब्रिज वगैरह बनाने हो, घर बनाने हो, रोड का निर्माण करना हो, या किसी दुकान को मिलकर चलाना हो, या फिर किसी मॉल को पार्टनरशिप के रूप में या एक दूसरे के सहयोग के साथ में चलाना हो, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रियल पार्टनरशिप के, जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग साथ में मिलकर काम किया करते हैं और इनसे होने वाला जो प्रॉफिट या जो भी लॉस है वो एक दूसरे में बांट लिया करते हैं। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप की, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर तीन एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है शर्विन विलियम्स एंड पॉटरी बार्न। तो बेटा देखो, ये शर्विन जो है ना वो पेंट्स वगैरह बेचने का काम करता है, जबकि जो पॉटरी बार्न है वो फर्नीचर बेचने का काम करते हैं। तो बेटा एक्चुअल में जो शर्विन और जो पॉटरी, ये दो नाम की जो कंपनियां है ना, वो क्या करती है, एक दूसरे की वेबसाइट्स पर एक दूसरे के प्रोडक्ट का प्रमोशन किया करती है। शर्विन जो है वो फर्नीचर का प्रमोशन करती है, साथ में जो पॉटरी है वो पेंट्स वगैरह का भी प्रमोशन कर लिया करती है। इससे इनको फायदा ये होता है कि जो शर्विन के कस्टमर हैं वो फर्नीचर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और पॉटरी के जो कस्टमर्स हैं वो पेंट्स वगैरह भी खरीद लिया करते हैं, मेन जो फर्नीचर है उसको खरीदने के साथ साथ में। अगर हम बात करें कैस्पर और वेस्ट एल्म की, तो बेटा कैस्पर का काम होता है मैट्रेसेस यानी रजाई गद्दे होते हैं वो बेचती है, जबकि वेस्ट एल्म जो है वो फर्नीचर बेचा करती है। तो जो कैस्पर कंपनी क्या करेगी, वेस्ट एल्म के जो फर्नीचर है वो अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करेगी और वेस्ट एम क्या करेगा, अपने ही वेबसाइट पर जो मैट्रेसेस हैं कैस्पर के उनको भी एडवर्टाइज करता रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा, वो एक दूसरे के बिजनेस को अपने अपनी वेबसाइट पर प्रमोट किया करते हैं। अगर हम बात करें उबर और स्पॉटिफाई की, तो उबर का काम होता है ट्रैवलिंग करना, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना। इसी के साथ में जो स्पॉटिफाई है वो अलग अलग वैरायटी के जो सॉन्ग्स हैं वो आपके लिए तैयार करता है, आपको प्रेजेंट करता है। अब ये बताइए कि उबर और स्पॉटिफाई का क्या मेल, लेकिन जब भी आप उबर की गाड़ियों में सफर करेंगे तो जो भी गाने चल रहे होते हैं ना वो स्पॉटिफाई की वेबसाइट या स्पॉटिफाई ऐप पर ही आपको सुनने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स के बारे में, तो उसमें फर्स्ट फीचर है बेटा फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना उसके लिए या उसको शुरू करने के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जो भी पार्टनर हैं उनको 1932 जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके रूल्स का फॉलो जरूर करना होगा। मतलब जब भी वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो इस एक्ट के जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिजनेस जो पार्टनरशिप वाला है उसको कर सकते हैं।
अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो वो है रिस्क बियरिंग। ऑल द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इक्वली और इन डिसाइडेड रेशियो। तो जो सभी पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, वो जितने भी तरह के प्रॉफिट होते हैं या जिस भी टाइप के लॉस हुआ करते हैं, उन सभी प्रॉफिट और लॉस को क्या तो बराबर बांटेंगे या फिर जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई जो भी एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, वो चाहे 2:3 हो, 1:4 हो, किसी भी तरह का जो रेशियो है उसमें अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटा करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड फीचर की बात करें तो वो है डिसीजन मेकिंग। ऑल द डिसीजंस कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज आर टेकिंग बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, दिन प्रतिदिन के काम को करने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो वो सभी पार्टनर्स मिलकर लिया करते हैं। ए सिंगल पार्टनर कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग, और उन सभी पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ही हैज टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। यदि वो किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहता है या किसी भी तरह का काम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे जो बाकी बचे हुए पार्टनर है ना, उनकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर की तो वो है बेटा कंटिन्यूटी। इन द केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस कम्स टू एन एंड। यदि मान लीजिए किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर दिवालिया हो जाया करता है, मतलब जो उसने लोन लिया था उसको चुकाने की कैपेसिटी उसकी नहीं है या फिर वो पागल हो जाया करता है, तो ऐसी चार सिचुएशन में बेटा जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसके लिए ये हो सकता है कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स है ना, कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस बाय मेकिंग न्यू एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए उस बिजनेस को उन्हें आगे तक बढ़ाना है, आगे भी उसी तरह के बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो वो क्या करेंगे, एक नया एग्रीमेंट बना लेंगे। जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स है ना, वो सारे नया एग्रीमेंट बनाकर उस पुराने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए, आप किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना शुरू करें, उसके लिए कम से कम दो पार्टनर का होना जरूरी है। अब मैक्सिमम को लेकर मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी हैं कि आज से पहले जो मैक्सिमम पार्टनर्स हुआ करते थे ना, वो 10 हुआ करते थे, लेकिन यदि आप बैंकिंग वाला बिजनेस कर रहे हो और वो भी पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हो, तो वहां पर आप मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं 20 रख सकते हो। लेकिन बेटा आजकल ये नियम हटा दिया गया है ऊपर वाला। आज क्या है, किसी भी तरह का बिजनेस करिए, उसमें मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस के लास्ट फीचर की बात करें तो वो है बेटा पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल एजेंसी। ऑल द डिसीजंस आर टेकन म्यूचुअली बाय ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो देखो, पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, उसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा गया है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। तो जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको करने के लिए सभी पार्टनर्स को एक दूसरे का अप्रूवल लेना जरूरी है। ए सिंगल पार्टनर्स डिसीजन कैन अफेक्ट अदर पार्टनर्स, क्योंकि अगर एक अकेले ने डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो गया, तो बेटा वो लॉस अकेले का नहीं होगा, बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं, उनका भी लॉस माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो म्यूचुअल एजेंसी है, क्योंकि जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, वो सब मिलजुल कर लिया करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको पार्टनरशिप बिजनेस की मीनिंग और इसके फीचर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूंगा। पार्टनरशिप जो फर्म होती है ना, या यूं कह लें कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यदि पार्टनरशिप के थ्रू अपना बिजनेस करना चाहता है, तो इससे उनको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं और कौन कौन से उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस के मेरिट्स की बात करें, मतलब इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट मेरिट हमारे सामने निकल के आता है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्योंकि बेटा आपको पता है, पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, वो करने के लिए आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल जो भी पार्टनर मिलकर काम करना चाहते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यदि हम क्लोजर की बात करें, तो जैसे ही आपने पार्टनरशिप के थ्रू जो काम लिया था, अगर वो काम फिनिश हो गया है, उसके लिए कोई अलग से आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं रहती है गवर्नमेंट से।
यदि हम सेकंड बैरियर की बात करें तो वो है बेटा नो बर्डन ओवर सिंगल पर्सन, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, ग्रुप्स होता है लोगों का, दो से ज्यादा बंदे तो होते ही हैं, तो यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी आएगी, जो भी काम किया जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उसका भार, उसका जो बर्डन है वो किसी सिंगल पर्सन पर नहीं रहेगा। वो जितना भी रिस्क होता है, जितना भी लॉस होता है और जितने भी काम किए जाते हैं, वो सब लोग मिलकर काम किया करते हैं, जिनको कि हम यहाँ पे पार्टनर्स बोला करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड मेरिट की बात करें तो वो है मोर फंड्स, मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स मिलकर काम कर सकते हैं, तो जितने भी पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं वो सब अपनी तरफ से कोई ना कोई पैसा तो जरूर देंगे, और इसी चीज की वजह से मेक्स पॉसिबल टू रेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, और इसी की बदौलत बेटा बहुत सारा जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाता है इन कंपेयर टू ए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बिजनेस चलाने वाला एक ही बंदा होता है तो उसके पास में फंड्स की कमी रहती है, लेकिन पार्टनरशिप में इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर अपना बिजनेस किया करते हैं। यदि हम बात करें फोर्थ बेनिफिट की तो वो है शेयरिंग रिस्क, ऑल द रिस्क, मतलब यहाँ पर हम रिस्क का मतलब क्या समझते हैं, लॉस, मतलब किसी भी तरह का नुकसान हो जाना बिजनेस में, तो इस तरह की जो रिस्क है बेटा वो सभी पार्टनर्स के द्वारा शेयर की जाती है, मतलब एक अकेला पार्टनर या जो दो पार्टनर है वो मिलकर पूरी रिस्क को नहीं उठाते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर उस रिस्क को उठाते हैं। इससे क्या होता है, जो रिस्क है वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है, हर के हिस्से में बहुत कम मात्रा में रिस्क आ पाती है। अगर हम बात करें फिफ्थ बेनिफिट की तो वो है बेटा सीक्रेसी, अ पार्टनरशिप फर्म नीड नॉट रिक्वायर टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स टू द पब्लिक इन द न्यूज़पेपर लाइक कंपनी, मतलब कंपनी की तरह जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, या जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसको अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो भी लेन देन वो करते हैं, तो इनका पब्लिक में अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता न्यूज़पेपर में खबर छपवा कर इस तरह से, विच हेल्प इन मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इससे क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए हुए जो पेपर्स होते हैं वो सीक्रेट बने रहते हैं, वो अपना बिजनेस किस तरह से, किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्निक का भी बेटा बाहर के जो बिजनेसमैन उनको पता नहीं चलता है, और इस तरह से बेटा पार्टनरशिप बिजनेस की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है। जैसा कि बेटा हम सबको पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करने के दौरान जो आपको फायदे मिलते हैं वो एक पहलू हो गया, मतलब वो अलग चीज हो गई, लेकिन इस बिजनेस को करने के दौरान आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या इस बिजनेस के कुछ अपने नुकसान भी हुआ करते हैं। तो ऐसे ही नुकसान में फर्स्ट जो डिमेरिट निकल के आता है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स आर लेबल टू रीपे डेट्स इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज इन केस द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशियंट टू मीट इट्स डेब्ट। मान लीजिए पार्टनरशिप जो फर्म है या जो बिजनेस है उसने किसी से लोन ले रखा है, और जब लोन को रीपेमेंट करने की बारी आती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यदि मान लीजिए बिजनेस के असेट्स भी सफिशिएंट नहीं है कि बिजनेस के असेट्स को बेचकर हम वो लोन जो है उसको रीपे कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से सभी पार्टनर्स को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर भी उस लोन को चुकाना पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अ रिच पार्टनर विल हैव टू रीपे एंटायर डेट इन केस द अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू सो। अब मान लीजिए जैसे 10 पार्टनर हैं, उनमें जो एक या दो पार्टनर वो अमीर हैं, तो अमीर जो पार्टनर हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा होगी, और जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो तो इस लोन को रीपे कर नहीं पाएंगे, तो अब होगा क्या, जो अमीर पार्टनर है उसको ही सारा का सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा, तो इस तरह से जो अमीर पार्टनर है उसको भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर हम सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो वो है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। वैसे तो देखो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जो पैसा होता है वो मिल जाता है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, मैक्सिमम जो नंबर्स है ना पार्टनर्स की संख्या के, वो 50 तक ही सीमित कर रखे हैं, मतलब 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस एक साथ मिलकर कर सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप वाला बिजनेस नहीं कर सकते। सपोज करिए यदि पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए 50 से ज्यादा मेंबर्स की छूट होती तो कितनी बड़ी राशि इकट्ठा हो जाती है ना, क्योंकि अब क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस में केवल और केवल 50 बंदे मिलकर काम कर सकते हैं, इसलिए जो भी पैसे इकट्ठे होंगे वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में ही रहेंगे। यदि हम बात करें थर्ड लिमिटेशन की तो वो है बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है टकराव होना, मुठभेड़ होना, विचारों का नहीं मिलना। तो समटाइम्स डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑन सम इश्यूज मे लीड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जहां दो बर्तन रहते हैं वो खड़कते जरूर हैं, तो इसी तरह से जो ये पार्टनरशिप बिजनेस है ना,
इस बिजनेस में एक से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस किया करते हैं, तो कभी ना कभी एक चीज को लेकर उन पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई इश्यू तो बन ही जाता है। कभी कभार तो ये भी होता है बेटा कि किसी काम को मान लीजिए पार्टनर्स को करना है, अब वहाँ पर 10 पार्टनर हैं, 10 में से 2 पार्टनर तो ये कहते हैं कि हम इसको इस तरह से करेंगे, बाकी 8 पार्टनर ये कहते हैं कि हम नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से विचारों के न मिलने की वजह से उनके बीच में मनमुटाव होता रहता है। यदि हम फोर्थ डिमेरिट की बात करें तो वह है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। यदि मान लीजिए किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, या एक पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब यहाँ ये है कि उसने किसी से लोन ले रखा था और अब वो जो है उस लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मैं लोन नहीं चुका सकता, तो इस सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंसी बोला करते हैं। इसी के साथ में मान लीजिए कोई भी एक जो पार्टनर है वो लूनेटिक कंडीशन में चला गया, मतलब पागल हो गया, तो इन चारों ही सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस है वहीं पर फिनिश हो जाता है। अब यदि हम बात करें फिफ्थ लिमिटेशन की, तो वो है बेटा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो भी इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, जो भी इसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते हैं, उनको पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं करना पड़ता, मतलब न्यूज़पेपर में उसके बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं देनी होती है। अब इससे होगा क्या कि जो पीपल यानी जो लोग है ना, कैन नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप की एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके बारे में वो जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पार्टनर बिजनेस होता है ना वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करता, तो इस तरह से लोगों का विश्वास भी इस तरह के बिजनेस में कम हुआ करता है। पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ना उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ इस वीडियो में हम पार्टनर्स के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए बेटा बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को समझाने की कोशिश की है। तो बेटा मेनली जो पार्टनरशिप होती है ना वो दो बेसिस पर डिवाइड की गई है, एक है ड्यूरेशन के बेसिस पर और एक है लायबिलिटी के बेसिस पर, मतलब एक तो समयावधि के लिए और एक होता है बेटा जिम्मेदारी जो उठाई जाती है ना पार्टनर्स के द्वारा, उसके बेसिस पर पार्टनरशिप को डिवाइड कर रखा है। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखें ना, तो ये दो टाइप्स की होती है, एक तो है पार्टनरशिप एट विल और सेकंड है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से, तो ये भी बेटा दो टाइप्स की हुआ करती है, एक है जनरल पार्टनरशिप और सेकंड वन है बेटा लिमिटेड पार्टनरशिप। तो आगे चलकर हम इन सभी जो चार टाइप्स बता रखे हैं ना, इनको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से जो इसका फर्स्ट टाइप है पार्टनरशिप एट विल के बारे में जानने की कोशिश करें, तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। मतलब ये है कि पार्टनर्स जितने लंबे समय तक इस तरह की पार्टनरशिप को रखना चाहते हैं उतने लंबे समय तक वो उस पार्टनरशिप को रख सकते हैं, एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप। और जैसे ही उनमें से किसी एक पार्टनर ने अपने आप को पार्टनरशिप बिजनेस से अलग करने का नोटिस बाकी सभी पार्टनर्स को दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टनरशिप है वो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब जो भी 10 या 15 जो पार्टनर्स थे वो मिलकर पार्टनरशिप बनाए थे वो तुरंत नोटिस देने के बाद बिल्कुल टर्मिनेट हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कहा करते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि पार्टनर्स जब चाहें तब तो इस पार्टनरशिप को बना सकते हैं, और पार्टनर्स की ही इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो इस तरह की पार्टनरशिप को कब एंड करना चाहते हैं। अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पर ही जो सेकंड टाइप है पार्टनरशिप का उसको देखें, तो वो है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वर्क। जैसा कि बेटा इसमें नाम से ही पता रखा है पर्टिकुलर, मतलब कोई भी विशेष काम आ गया, वो बहुत बड़ा काम है, उसमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो इस तरह के काम को करने के लिए 10 या 15, 20 या 25 पार्टनर मिलकर उस तरह के काम को फिनिश किया करते हैं। तो जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई काम आ जाता है तो इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो बन जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो रोड, बिल्डिंग वगैरह और ब्रिजेज इनको बनाने का काम शुरू कर रही है, तो ये जो काम है एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम को शुरू करने के लिए
बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन काम को पूरा करने के लिए जो भी बंदे हैं, दो से ज्यादा जो बंदे हैं ना, वो मिलकर इस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ये काम फिनिश हो जाता है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। और इस काम के फिनिश होने के बाद में जो पार्टनरशिप थी उनके बीच में अपने आप खत्म हो जाती है। इस तरह की पार्टनरशिप को फिनिश करने के लिए किसी भी तरह के नोटिस को देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने पार्टनरशिप एक्ट विल में देखा था। यदि हम लायबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप के टाइप्स देखें, तो ऐसे ही टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है बेटा, वो है जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप की मैंने यहाँ पर आपको चार विशेषताएं बताने की कोशिश की है। इन चारों विशेषताओं को आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। तो देखिए, जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब इस बिजनेस के द्वारा यदि कोई लोन लिया गया था, लोन रीपे नहीं किया गया है, तो उस लोन की जो रिकवरी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या जो बैंक है, पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवर कर सकता है। सेकंड है, ऑल पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और जो भी डिसीजन लेना होगा, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उस मैनेजमेंट सिस्टम में सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। भाई इस तरह की जो जनरल पार्टनरशिप होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो न करवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्थ फीचर है, अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेसी एंड रिटायरमेंट। किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर वो दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब है कि उसके पास में लोन को रीपे करने के पैसे नहीं है, तो उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और वो कह रहा है कि भाई अब मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं दिवालिया। लूनेसी का मतलब होता है बेटा पागल हो गया हो या कोई पार्टनर रिटायर हो गया हो। तो इन चारों में से किसी भी एक चीज के गठित होने पर जनरल पार्टनरशिप क्या है, टर्मिनेट हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप वहीं एंड हो जाती है। अगर हम लायबिलिटी के बेसिस पर ही जो सेकंड टाइप है पार्टनरशिप का वो देखें, तो बेटा उसका नाम है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप और जो जनरल पार्टनरशिप, इनमें जमीन आसमान का फर्क है बेटा। यहाँ पर इसके 5 फीचर्स को मैंने डिस्कस किया है, जो कि जस्ट जनरल पार्टनरशिप के अपोजिट ही हैं। तो फर्स्ट फीचर है, वन पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। बेटा ध्यान रखना, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि जो सभी पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। नहीं, उसमें से जो एक पार्टनर होगा ना, चाहे वो कोई सा भी पार्टनर हो, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट है, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। और उस अकेले पार्टनर को, यानी उस एक पार्टनर को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी होगी बेटा वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब बेचारा जो एक पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड डिसाइड कर दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस तरह की पार्टनरशिप के थ्रू कोई लोन लिया गया है और वो पार्टनरशिप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा वो जो रिकवरी है ना, वो उस अकेले पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर की जाएगी, जिसकी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है, लिमिटेड पार्टनर्स डोंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मतलब ऐसे सभी पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी रिस्क होता है, जितना भी खतरा है, वो उस पार्टनर को है जिसकी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो वो नहीं चाहेगा कि बाकी के जो पार्टनर्स हैं उसके मैनेजमेंट में दखल अंदाजी करें। फोर्थ पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। और जो भी रजिस्ट्रेशन है इस तरह की लिमिटेड पार्टनरशिप का, वो बहुत ही कंपलसरी है। मतलब रजिस्ट्रेशन तो करवाना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है बेटा, डोंट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेसी एंड रिटायरमेंट। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाना, वो इंसॉल्वेंट हो गया हो या लूनेटिक कंडीशन में चला गया हो या रिटायर हो रहा है, तो इन सभी चीजों का इस तरह की पार्टनरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस तरह की सिचुएशन आने पर जो पार्टनरशिप है ना, वो कंटिन्यू आगे चलती रहती है, उसका समापन नहीं होता है। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टनरशिप के जो अलग अलग टाइप्स थे वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, इसी के साथ में जनरल पार्टनरशिप और जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे जाकर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
यदि हम बात करें पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में होती क्या है, तो भाई मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न और स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट हुआ करता है। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लिखित में होता है और स्टैम्प्ड भी होता है, मतलब इस पे स्टैम्प भी लगा हुआ होता है, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। और जो भी पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे के सारे इस पार्टनरशिप डीड नाम के डॉक्यूमेंट पर लिखे रहते हैं, मेड टू क्लियर ऑल फ्यूचर रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। और देखो बेटा, होता ये है कि जब सभी फ्यूचर में की जाने वाली चीजों को या फ्यूचर में जो भी हमारे सामने मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी, उनको क्लियर करने के लिए यदि हम कोई चीज पहले से ही लिख लेते हैं, ऐसी चीजें हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। तो जो भी पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखे रहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम बोला करते हैं पार्टनरशिप डीड। यदि हम बात करें पार्टनरशिप डीड के टाइप्स के बारे में, तो बेटा पार्टनरशिप जो डीड है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है रिटन पार्टनरशिप डीड और दूसरा है बेटा ओरल पार्टनरशिप डीड। अब ओरल में तो क्या होता है, जो भी पार्टनर होते हैं ना, शुरुआत में जब बिजनेस शुरू करते हैं तो केवल एक दूसरे को कहकर ही मतलब आश्वस्त कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम फ्यूचर में इस तरह का काम करेंगे, ये हमारा रेशियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने का, और आगे जो भी मुसीबत होगी हम उसको मिल बैठकर टैकल कर लिया करेंगे। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप डीड होती है, इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको हम ओरल पार्टनरशिप डीड कहा करते हैं। इसमें केवल बोलने मात्र से ही जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में विश्वास हो जाता है। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप डीड का एक नुकसान होता है, लेकिन बेटा आपको ये तो पता है ही कि जो पार्टनर्स होते हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना। कल को फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या फिर कल को कोई भी पार्टनर उस नियम को फॉलो नहीं करे जो कि उसने ओरल पार्टनरशिप डीड में पहले स्वीकार किया था, तो इस तरह से क्या होता है, बिजनेस को नुकसान होता है। और हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर वो पार्टनर मना भी कर दे कि नहीं, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का जो रेशो डिसाइड किया था वो 1:2 ना होकर 3:4 था, अब उसकी गलती को कौन पकड़ ले। तो इस तरह की कमियों की वजह से जो ओरल पार्टनरशिप डीड है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। अगर हम बात करें रिटन पार्टनरशिप डीड की, तो रिटन पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पहले ही बिजनेस शुरू करने के दौरान जो पार्टनर्स होते हैं मिल बैठकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया करते हैं, उस पर स्टैंप वगैरह लगवा लिया करते हैं वकील से, और उस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होना चाहिए, कहाँ बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस तरह से बांटा जाएगा, मतलब इसी तरह की बहुत सारी चीजें पहले से ही लिख ली जाती है। और जो रिटन पार्टनरशिप डीड है वो काफी विश्वसनीय मानी जाती है। कल को कोई पार्टनर अगर मना भी कर देता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो ऐसे सिचुएशन में रिटन पार्टनरशिप डीड उस पार्टनर को दिखा दी जाएगी कि नहीं, तुमने ये लिखा था, तुम्हारे यहाँ पे साइन है। अब यदि हम बात करें कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब एक्चुअल में पार्टनरशिप जो डीड होती है ना, रिटन पार्टनरशिप डीड, उसमें लिखा हुआ क्या होता है, तो कंटेंट का मतलब सामग्री, मतलब जो भी चीजें हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में वो क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 9 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म्स नेम, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम पार्टनरशिप डीड में जरूर लिखा जाता है। सेकेंड है नेचर, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका नेचर कैसा होगा, मतलब पार्टनरशिप के थ्रू वो किस तरह के बिजनेस को करना चाहेंगे, वो बिजनेस कहाँ होगा और उस बिजनेस को करने का समय क्या होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा या 5 साल होगा, तो इस तरह का जो ड्यूरेशन है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। थर्ड है ड्यूटीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस करने के दौरान हर एक जो पार्टनर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा, इसी के साथ में जो पार्टनर्स के द्वारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो वो जो पैसा है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो है P&L शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस करने के दौरान एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे, वो रेशियो भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है पार्टनर सैलरी। मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर होने के साथ साथ में पार्टनरशिप के कुछ अलग से ऑफिस में बैठकर काम भी किया करता है, तो इसके लिए उसको सैलरी दी जाएगी, तो वो कितनी सैलरी होगी, उसका पेमेंट हम मंथली करेंगे, वीकली करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे, ये सारी कंडीशन उस पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग,
जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस पर दी जाने वाली इंटरेस्ट की क्या रेट होगी, और यदि मान लीजिए किसी भी पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो जो पैसा है वो पार्टनरशिप बिजनेस से ले भी तो सकता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो यदि कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो इसके लिए उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसकी रेट भी लिखी रहती है। यदि हम बात करें 7th पॉइंट की, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है क्योंकि जो ये बिजनेस होता है वो 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते जरूर हैं, तो इसका मतलब यह फ्यूचर में जिस भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो उसको रेजोल्यूट कैसे करेंगे, मतलब उसका समाधान कैसे करेंगे, उनके तरीकों के बारे में भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। यदि हम बात करें 8th पॉइंट की, तो वो है रूल्स ऑफ पार्टनर्स एडमिशन एंड रिटायरमेंट। कोई भी नया पार्टनर आया है उसका एडमिशन कैसे लेंगे, मतलब उसको पार्टनरशिप बिजनेस में कैसे शामिल करेंगे, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट के लिए क्या प्रोविजंस होंगे, तो ये सारी चीजें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। यदि हम बात करें 9th पॉइंट की, तो वो है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अब जो भी पार्टनरशिप बिजनेस वो कर रहे हैं उस बिजनेस को करने के दौरान जितने भी अकाउंट्स उन्होंने बनाए हैं तो उनके क्लियरेंस के लिए या फिर उनकी प्रमाणिकता के लिए जिस भी तरह की ऑडिटिंग करवाई जाएगी तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, या जो ऑडिटिंग होगी वो किस तरह से की जाएगी, किस फर्म को हम इनवाइट करेंगे, कौन से सीए को अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए, तो इसी तरह की जो 9 बातें हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी मीनिंग, इसके टाइप्स के बारे में, साथ ही में आपको ये भी पता चला होगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी रहती हैं। तो ये सभी चीजें बेटा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पार्टनर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, उनके बारे में पूरी नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं, तो बेटा मैं आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर और जो स्लीपिंग या फिर इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। भाई जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी मैनेजिंग के काम होते हैं, जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं, उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वो भी तो पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है। जबकि जो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर होता है ना, वो बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर में जो डिफरेंस है ना, वो यही है कि एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जबकि स्लीपिंग या डोरमेंट जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हम बात करें कि दोनों ही पार्टनर्स के इसके अलावा क्या क्या काम है, तो भाई दोनों ही पार्टनर जो हैं वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। दोनों ही तरह के जो पार्टनर्स होते हैं, वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, वरना जो लॉस होगा बिजनेस में तो उस लॉस को भी शेयर करेंगे। यदि हम बात करें लायबिलिटी की, तो बेटा दोनों ही जो पार्टनर है ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी उन्होंने लोन ले रखा है तो उसका जो पेमेंट है उनको अपनी पर्सनल असेट से भी करना पड़ सकता है। यदि हम पार्टनर्स के थर्ड टाइप की बात करें, तो वो है सीक्रेट पार्टनर। द पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म एज पार्टनर इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। मतलब एक्चुअल में ये जो पार्टनर है ना, वो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो होता है, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छा अच्छा तू भी इस फर्म का पार्टनर है क्या, यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो इस तरह के पार्टनर को हम क्या बोला करते हैं, सीक्रेट पार्टनर। अब ये जो सीक्रेट पार्टनर है ना, भाई सारे काम करता है पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए। सीक्रेट पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, अपना पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा होता है उसमें अपना हिस्सा भी लेता है। इसी के साथ में जो इसकी लायबिलिटी है और पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यदि हम पार्टनर्स के फोर्थ टाइप की बात करें, तो वो है बेटा नॉमिनल पार्टनर, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में नाम मात्र का पार्टनर। तो ये होता क्या है, द रेप्यूटेड पर्सन, कई बार क्या होते हैं जो रेप्यूटेड पर्सन होते हैं ना, जिनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई होती है, जिनको कि बहुत सारे लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं हु अलाउज द पार्टनरशिप फर्म। ये क्या करते हैं, जो भी पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है, किन्हीं पार्टनर्स के द्वारा इस तरह का पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया जा रहा है, तो उनको ये जो रेप्यूटेड पर्सन क्या करते हैं, अपना नाम,
उस बिजनेस में यूज करने के लिए उनको छूट दे दिया करते हैं। तो ऐसे ही पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। यदि हम नॉमिनल पार्टनर को सरल शब्दों में समझना चाहें तो भाई ये जो पार्टनर होते हैं, मतलब नॉमिनल जो पार्टनर होते हैं ना, वो ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही अपना पैसा इस तरह की पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म में लगाते हैं, ना ही ये प्रॉफिट या लॉस में अपना हिस्सा लेते हैं। बट लेकिन क्योंकि लोग इसको भी पार्टनर ही मानते हैं, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में रहते हुए इसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। मतलब फ्यूचर में यदि पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का लोन कोई भी पार्टनर्स के द्वारा चुकाया नहीं जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टनरशिप फर्म के लोन को पे करे। यदि हम बात करें नॉमिनल पार्टनर्स के टाइप्स के बारे में, तो बेटा ये दो टाइप के हुआ करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है। अ पर्सन हु एक्चुअली इज नॉट पार्टनर, भाई एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, बट गिव्स इंप्रेशन टू अदर्स थ्रू हिज हर वर्ड्स और कंडक्ट्स, लेकिन दूसरे लोगों को ये जताने की कोशिश करता है अपने व्यवहार से या अपने शब्दों से, ये कहता है दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। तो ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल कहते हैं। और इस सिचुएशन में सच पार्टनर इज लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से, अपनी जबान से, अपने व्यवहार से लोगों को ये जताता है कि वास्तव में वो उस फर्म का पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फर्म के जितने भी डेट्स वगैरह होंगे, जितने भी लोन होंगे, उनको चुकाने की जिम्मेदारी भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स की तरह एस्टोपल पार्टनर की भी होगी। यदि हम नॉमिनल पार्टनर के सेकेंड टाइप की बात करें, तो उसमें है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अ पर्सन हु एक्चुअली इज नॉट पार्टनर। देखो मैंने कहा था ना कि जो भी नॉमिनल पार्टनर होते हैं ना, एक्चुअल में वो पार्टनर होते ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म के। एंड डोंट गिव इंप्रेशन टू अदर्स, और ना ही वो दूसरों को ये महसूस करवाता है दैट शी और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। बट अज्यूम्ड अ पार्टनर बाय मिस्टेक बाय अदर्स, लेकिन दूसरों के द्वारा उस पार्टनर को गलती से उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाता है। तो ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। अब रही बात ये कि भाई क्योंकि लोगों ने उसको गलती से पार्टनर समझ लिया उस पार्टनरशिप फर्म का, तो भाई यहाँ पर भी नॉमिनल जो पार्टनर है होल्डिंग आउट के थ्रू, उसकी जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को चुकाने की होगी। यदि मान लीजिए वो चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी इस तरह की न हो, तो भाई उनके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अपने इम्प्रेशंस लोगों को इस तरह से न दें कि लोगों को ये लगे कि भाई वो जो है ना उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, पहली बात तो ये। और दूसरा, पब्लिकली अनाउंस करें कि भाई मैं इस फर्म का कोई पार्टनर नहीं हूं, आप मुझे इस फर्म का पार्टनर गलती से समझने की कोशिश न करें। अगर आप इस तरह के दो काम कर देते हैं, तो फिर आपको उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी डेट्स हैं, जितने भी लोन हैं, उनको रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी से आप बच जाएंगे। यदि हम पार्टनर्स के लास्ट टाइप की बात करें, तो वो है बेटा माइनर पार्टनर। तो वैसे तो बेटा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होती है या पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ना, उसमें कोई भी एक माइनर बंदा, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ये बात हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्लियरली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन कर चुका है। लेकिन फिर भी यदि कोई माइनर पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। देखिए, फर्स्ट प्रोविजन है कि कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। माइनर पार्टनर है, 18 साल से कम उम्र का है, उसमें इतना कितना ज्ञान होगा कि वो मैनेजमेंट को भी संभाल पाए। इसलिए उस पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर कोई बन भी जाता है, तो उसको मैनेजमेंट में पार्ट करने का, मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होता। और ना ही वो, बेटा ध्यान रखना, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मतलब लॉस उसके सिर पर नहीं मढ़ा जाएगा। यदि हम बात करें लायबिलिटी की, तो भाई जब तक वो माइनर है तब तक तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इसी के साथ में यदि मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट में हिस्सा जरूर लेगा। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में था कि वो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। यदि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट में वो जरूर हिस्सा लेगा। He she has to give public notice within 6 months of attaining majority। और बेटा एक चीज ध्यान रखना,
जैसे ही मान लीजिए वो पार्टनर 15 साल का था और उसे पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते करते 3 साल हो गए, मतलब 18 साल का हो गया। अब 18 साल होने का मतलब क्या है, वो मेजोरिटी वाली कैटेगरी में आ गया। तो जैसे ही वो मेजोरिटी कैटेगरी में आता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिकली नोटिस देकर ये क्लियर करना होगा दैट ही वुड बी और नॉट एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस फर्म में अब मेजोरिटी लेवल को क्रॉस करने के बाद में इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर एक्टिवली होगा या नहीं होगा, मतलब वो इस पार्टनरशिप बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है एक पार्टनर के रूप में। अदरवाइज ही वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्टिव पार्टनर बियरिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। यदि मान लीजिए उसने मैच्योरिटी के 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को नोटिस इश्यू करके ये नहीं बताया कि मैं इस पार्टनरशिप बिजनेस या इस पार्टनरशिप फर्म का साझेदार बनना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा, तो उसे उस पार्टनरशिप बिजनेस का एक एक्टिव मेंबर माना जाएगा, एक एक्टिव पार्टनर माना जाएगा, और इसी के साथ में बेटा उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो लिमिटेड से हटकर अनलिमिटेड हो जाएगी। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टनर्स के जो डिफरेंट टाइप्स थे ना, जो कि मेनली 5 टाइप्स हुआ करते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना कंफ्यूजन मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। पार्टनर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे ना, उन सभी डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों टॉपिक को हम बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग या फिर जो डोरमेंट पार्टनर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा डिफरेंस तो केवल एक ही है कि जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। लेकिन हम बात करें स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी मैनेजरियल जो टास्क किए जाते हैं, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हम बात करें एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बीच सिमिलरिटीज की, समानताओं की, तो बेटा दोनों ही जो पार्टनर होते हैं ना, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, इसी के साथ में अपने हिस्से का जो भी प्रॉफिट या लॉस उनके हिस्से में आता है तो वो उसे भी लेते हैं। और साथ ही में बेटा एक्टिव और जो स्लीपिंग पार्टनर है, दोनों ही पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हुआ करती है। अगर हम बात करें सीक्रेट और जो नॉमिनल पार्टनर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा यहाँ पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि भाई सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान ले तो अच्छा होगा। तो सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो होता है, लेकिन आम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं ना, उनको ये पता नहीं रहता कि वास्तव में ये जो पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है या नहीं है। अगर हम बात करें नॉमिनल पार्टनर की, तो बेटा नॉमिनल पार्टनर एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं होता है, बस वो केवल अपना नाम, अपनी जो गुडविल है, अपनी जो रेपुटेशन है, वो उस पार्टनरशिप फर्म को दे दिया करता है, और बाद में जाकर जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसके नाम का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। जहां तक बात करें कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, तो सीक्रेट जो पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल लगा चुका होता है, जबकि जो नॉमिनल पार्टनर है वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में वो पार्टनरशिप फर्म का तो पार्टनर है ही नहीं ना, वो तो केवल अपना नाम यूज करने के लिए उनको परमिशन दिया करता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की, तो सीक्रेट जो पार्टनर होता है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो नॉमिनल पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। यदि हम बात करें प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, तो जो सीक्रेट पार्टनर है ना, वो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन में, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में वो अपना हिस्सा जरूर लेता है। लेकिन हम बात करें नॉमिनल पार्टनर की, तो नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को चाहे कितना ही प्रॉफिट हो या कितना ही लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में वो प्रॉफिट या लॉस में अपना शेयर नहीं लेता है। अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो बेटा सीक्रेट और जो नॉमिनल दोनों टाइप के जो पार्टनर होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। इसी के साथ में यदि हम पार्टनर्स बाय एस्टोपेल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में डिफरेंस करना चाहें, तो हमारे सामने जो भी डिफरेंस निकल के आता है वो बेटा केवल इनकी मीनिंग को लेकर ही डिफरेंस निकल के आएगा। और वो इस तरह से है कि जो पार्टनर बाय एस्टोपेल है ना, वो ऐसा पार्टनर होता है जो एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं होता, लेकिन लोगों को अपने व्यवहार से ये शो करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ।
जबकि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसा पार्टनर होता है जो कि उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो नहीं होता है और ना ही वो शो करता है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लोगों के द्वारा बाय मिस्टेक गलती से समझ लिया जाता है कि ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो ये तो था बेटा इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिफरेंस। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, इनमें क्या समानता है, तो भाई दोनों ही जो पार्टनर है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, ना प्रॉफिट एंड जो लॉस जो होता है उसमें कोई अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन दोनों की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अब आप ये कह सकते हो कि पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये दोनों तरह के जो पार्टनर है ना एक्चुअल में किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड क्यों होती है? तो इसका कारण यही है कि भाई आप चाहे पार्टनर हो या नहीं हो, लेकिन आप अपनी एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से लोगों को ये जताते हो या फिर लोगों के द्वारा आप गलत तरीके से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिए जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड बन ही जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर होते हैं माइनर पार्टनर को छोड़कर उन सब की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हुआ करती है। यदि आप इन चीजों से बचना चाहते हो कि भाई आपकी जो लायबिलिटी है उस पार्टनरशिप फर्म के प्रति अनलिमिटेड न हो, तो आपको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा या नोटिस जारी करना पड़ेगा कि भाई आप जो है हमें गलती से पार्टनर मत समझो, ना ही हम हमारे व्यवहार से आपको ये बता रहे हैं कि हम इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। तो इस तरह का एक रिटर्न नोटिस जारी करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। कौन सी समस्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको नोटिस जारी करना होगा, लोगों को रिटर्न में प्रूफ देना होगा कि हम इस पार्टनरशिप फर्म के कोई भी पार्टनर नहीं है। तो उम्मीद है बेटा आपको एक्टिव और जो स्लीपिंग पार्टनर है उनमें डिफरेंस करना आ गया होगा। इसी के साथ में आपको सीक्रेट और जो नॉमिनल पार्टनर है उसमें भी डिफरेंस करना आ गया होगा, और साथ ही साथ में बेटा आपको पार्टनर्स बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। इस वीडियो में आप रजिस्ट्रेशन का मतलब भी समझ पाएंगे। इसी के साथ में यदि मान लीजिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म है अगर वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है, इसी के साथ में हम रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है, ये सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के मीनिंग के बारे में बात करें, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन होता है एक्चुअल में क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस एंटरिंग फर्म्स नेम इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इन द स्टेट। तो बेटा हर स्टेट में क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नाम से एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उसके रजिस्टर में यदि आप अपने फर्म का नाम एंटर करवाते हो तो इसे ही हम बोलते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। To provide the proof of the existence of partnership firm, और ये जो registration जैसे ही हो जाता है ना partnership firm का, तो partnership firm के लिए ये एक proof हो जाता है कि वास्तव में कोई ना कोई partnership firm अपना business कर रही है। यदि हम इसको और भी सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी स्टेट में कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करने वाली फर्म होती है, तो पार्टनरशिप जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करने वाली जो फर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। इस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में किसी भी पार्टनरशिप फर्म का नाम एंटर करवाना रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अगर हम बात करें कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म यदि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसके साथ क्या हो सकता है, तो सबसे पहले बात जो हमें जाननी है वो ये है कि इट इज ऑप्शनल फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। कोई सी भी पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, कितने ही लंबे समय तक अपना बिजनेस क्यों ना करे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, मतलब वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वरना वो नहीं भी करवाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और उस समस्या का नाम है फाइलिंग ए केस, मतलब बिजनेस करने के दौरान मान लीजिए कोई ऊंच नीच हो गई या फिर हिसाब में गड़बड़ी हो गई या किसी ने आपके साथ बेईमानी कर ली, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी पर, दूसरे पार्टनर पर या किसी दूसरी फर्म पर केस फाइल नहीं कर सकते, मतलब उसके विरुद्ध कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में किसी भी प्रकार का केस या कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकते। चलिए इसको और भी गहराई से समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसमें काम करने वाले जो पार्टनर है ना वो दूसरे पार्टनर के विरुद्ध
या किसी अपनी फर्म या दूसरी फर्म के विरुद्ध या कोई थर्ड पार्टी जिसके के साथ मिलकर या जिसके लिए वो बिजनेस कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें फर्म की जिसमें रहकर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इस तरह की जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसी दूसरे पार्टनर के विरुद्ध या किसी थर्ड पार्टी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकती। यदि मान लीजिए भविष्य में किसी भी प्रकार की बेईमानी इन पार्टनर्स के साथ में होती है, तो ये अपने हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रहेंगे, किसी दूसरे पर्सन के विरुद्ध या दूसरे पार्टनर के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यदि हम बात करें कि भाई जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कर रही है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कब करवा सकती है, तो इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जो ही आपने पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू किया है, तो उसके शुरुआती दिनों में ही आप अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका बिजनेस चलते चलते एक साल, दो महीने या तीन साल या पांच साल हो गए, तो आप इस तरह से बीच समय में भी अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यही बात बेटा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग रनिंग द फर्म। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के बारे में कि भाई जो भी पार्टनरशिप फर्म है या जो पार्टनर्स हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ता है, मतलब उन्हें इसके लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। इन्हीं कामों को बेटा मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा ये पांच बातें बिल्कुल लिखी रहनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है फर्म्स नेम, फर्म का नाम लिखा रहना चाहिए। सेकंड है फर्म्स लोकेशन, जहां पर रहकर पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्म बाय पार्टनर्स, और पार्टनर ने उस पार्टनरशिप फॉर्म में कब ज्वाइन किया था उस डेट का नाम भी वहां पे लिखा रहना चाहिए। इसी के साथ में फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, और जितने भी पार्टनर्स मिलकर उस पार्टनरशिप बिजनेस में रहते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सभी पार्टनर्स का नेम और उनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सब उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप में रहते हुए जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं तो वो बिजनेस कितने समय के लिए किया जा रहा है उस बिजनेस का ड्यूरेशन भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये जब सभी बातें आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है बाद में जाकर रजिस्ट्रार ऑफ जो फर्म्स है वहां पर एक रिक्वायर्ड फीस के साथ में डिपॉजिट कराना पड़ता है। इसी के साथ में यदि हम थर्ड पॉइंट को देखें, तो ये कह रहा है द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर मेकिंग एंट्री ऑफ फर्म्स नेम इन द रजिस्टर। तो बेटा जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है ना, जिसमें कि कुछ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो इशू कर देते हैं। कब इशू करते हैं? जब वो पार्टनरशिप फर्म के नाम को उस रजिस्टर में एंटर कर देते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये पता चल गया होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आप रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं, तो इन सभी बातों का आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।